I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. Student, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है. तो चलें जी आएं स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है एक्सरसाइज 7.1 का जो लिखा हुआ है ये. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं. तो जरा देखिएगा हमें क्या कह रहा है इसमें. बेटा हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी कि इक्वेशन सर्कल मालूम करो, ठीक है, हैविंग पॉइंट, ठीक है, ये -5.6 एंड 3.4 आपको पॉइंट दिए हुए हैं द एंड ऑफ द डायामीटर. ठीक है, अब ये दो पॉइंट दिए हुए हैं डायामीटर के दो पॉइंट. ठीक है जी, सिंपल सी बात है, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है और आपको दो पॉइंट दिए गए डायामीटर के. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको जरा समझ लेगा, बहुत ही ज्यादा आसान है. याद रहे कि ये आज तक अभी तक पास्ट पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन ई कैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जरा इसको समझें, ठीक है जी स्टूडेंट. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिएगा आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन लिखा, ठीक है. अब सोल्यूशन लिखने के बाद अगर आप एक डायग्राम बना देंगे तो ये बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है. बाद इस बात की आप एक एक चीज लिखें, कंसीडर अ सर्कल हैविंग अ डायमीटर ए एंड बी, ए एंड बी के बाद आपने ए का पॉइंट, आपने इसको पहले वाले को ए कह दिया, दूसरे वाले को बी कह दिया. अब ये सारी चीजें लिखने से अच्छा है कि आप एक डायग्राम उसको बना के देते हैं जो इजी रहेगी एग्जामिनर के लिए भी और आप भी उसको जल्दी कर पाएंगे. वरना एक एक चीज को लिखना कि कंसीडर अ सर्कल हैविंग अ डायमीटर एट पॉइंट ए एंड बी हैविंग पॉइंट डैश एंड डैश और इसको फिर एक्स1 वाई1 कहेंगे और डिफरेंट आप इसको प्रेजेंट करते हैं क्योंकि फार्मूला के तहत आपको आगे सॉल्यूशन करना होता है. तो लिहाजा आसानी यही है कि आप डायग्राम बना लिया करें, उसमें सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दिया करें, ठीक है जी स्टूडेंट. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें आपको क्या कहा गया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करें, ठीक है, और क्या क्या हैविंग अ पॉइंट, ये दो पॉइंट रखे हुए एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. अब डायमीटर आपको पता है क्या होता है, एक सर्कल के अंदर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, डायमीटर. तो आपको डायमीटर के दो एंड पॉइंट दिए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा. तो लिहाजा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पे आपके पास -5 और दूसरा क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 3.-4, ठीक है जी स्टूडेंट. ये वाली बात हो गई कंप्लीट सिंपल. अब क्या करना है, ये चीज दी हुई है और कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करके बताओ. अब यहाँ पे जब बच्चा आएगा तो वो बोलेगा सर यहाँ पे मुझे ना सेंटर दिया हुआ है और ना ही रेडियस दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं यूज नहीं करूंगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करूंगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अब जरा देखना कि बेटा याद रखिएगा कि जनरल क्वेश्चन ऑफ सर्कल के जब हम क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे बताऊंगा कि जनरल क्वेश्चन हम कब यूज कर रहे होते हैं. यहां पे हम थोड़े से अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो यहां पे हम सेंटर भी मालूम कर सकते हैं और रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट. थोड़ा सी कॉमन सेंस लगाइए और आसान तरीके से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू हम लोग मालूम कर लेंगे. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जरा देखिएगा हम क्या मालूम करेंगे, सेंटर मालूम करेंगे, ठीक है. ये क्या है, सेंटर को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर होते हैं. तो सेंटर कैसे मालूम करके देंगे जरा वो देखिए स्टूडेंट. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था मिड पॉइंट का. कौन सा फार्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट, ठीक है. तो मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ठीक है जी स्टूडेंट. समझ आ रही है, आप यहाँ पे लिख भी देंगे मिड पॉइंट का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा. वो फार्मूला क्या था, जो यहाँ पे सेंटर है वो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करें. आपने एक फार्मूला पढ़ा था x1 + x2 / 2, यहाँ पे था उसके बाद y1 + y2 / 2, ठीक है जी स्टूडेंट. सिंपल, ये एक मिड पॉइंट निकालने यानी कि एक लाइन थी उसका मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करते थे. जब उसको दो आपको वो क्या दे दिए जाए, दो उसके वो वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट दे दिए जाए. तो अब मुझे बताएं यहाँ पे ये वाली बात आपको पता है कि भाई इसको आप x1 और y1 कहते हैं और इसको आप x2 और y2 कहते हैं. ये वाली बात तो आपको पता ही, ठीक है जी स्टूडेंट. इसको x1 y1 और x2 y2 कह दिया. अब आपको सेंटर मालूम करने के लिए आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है वो इन डायमीटर का सेंटर ही होगा और सेंटर बेसिकली मिड पॉइंट कहलाएगा. तो मिड पॉइंट के फार्मूले से हम सेंटर को मालूम करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट. तो चले जी आए, तो सबसे पहले जरा देखिए x1 यहाँ पे क्या है -5, उसके बाद क्या लिखा है x2 यहाँ पे आपके पास क्या है 3. तो सिंपल आपने 3 लिखा और डिवाइड में इसमें 2 था फॉर्मूले के तहत आपने वही रहने दिया. अब क्या लिखना है y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है और इसके अलावा y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4. तो याद रहे यहाँ पे प्लस है और -4 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 यूं ही रहेगा और डोमिनेटर में इसके 2 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट. तो जरा आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, तो भाई 5 में से 3 गए तो कितने बचे आपके पास, -2 बचा. अगर किसी बच्चे को कोई भी मुश्किल है तो ये -5 अपने कैलकुलेटर में डाले, +3 करे तो आपके पास -2 ही आएगा, ठीक है. अगर किसी को प्लस माइनस में मसला है तो 6 में से -4 किया तो आपके पास 2 आ जाएगा, सिंपल
ठीक है जी स्टूडेंट, और प्लस का आएगा। अब जरा देखिएगा, ये टू ये टू ये टू और ये टू कैंसल आउट किया, तो यहाँ पे आपके आपके पास जो सेंटर आया यहाँ पे माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा प्लस वन, ये क्या बन गया आपका सेंटर बन गया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिए थे उससे आपने सेंटर मालूम कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सेंटर है रेडियस तो मालूम नहीं है, तो अब रेडियस होगा तो फिर हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना, तो उसके लिए आप रेडियस भी मालूम करते हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे अभी आपने क्या मालूम किया, सेंटर मालूम किया, ठीक है, सेंटर क्या होता, क्या मालूम किया, माइनस वन और वन मालूम किया। अब ये वाली बात बताओ, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये वाली बात मालूम है या नहीं है? तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, इन दो, एक ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगेन चैप्टर नंबर टू के अंदर आपने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई एक लाइन दी गई हो, मिसाल के यहीं पे इसी पे बता देता हूँ कि भाई अगर एक लाइन होगी उसके दो पॉइंट दिए गए होंगे आपको एक्स वन वाई वन और एक्स टू और वाई टू, ठीक है, तो बोले इसका डिस्टेंस मालूम करके बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फार्मूला का था, डिस्टेंस फार्मूला था। तो इसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, जब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो लिहाजा अब देखिएगा आपके पास सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चले जी आए, अब आपको क्या मालूम करना है यहाँ पर, अब आपको मालूम करना है रेडियस। तो रेडियस की यहाँ पे आप हेडिंग डाल दें, भाई हम रेडियस मालूम करने जा रहे हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कर दें। ठीक है जी, तो रेडियस मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना होगा जरा वो देख लेते हैं। रेडियस मालूम करने के लिए आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, लिख दिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस बात को मानते हैं नहीं मानते, सिंपल। अब आप यहां पे जरा देखिएगा, आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला इन और इस दो पॉइंट के दरमियान में लगेगा, इन दो पॉइंट के दरमियान में लगेगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, अब यहां पे आप जो सेंटर है एक्स वन वाई वन कह दें, ठीक है, और ये x2 और y2 उसको सपोज कर लें, ठीक है, ये c और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो लिहाजा इनको, इसको x1 y1 कहा था और इसको x2 और y2 आपने पहले सपोज किया हुआ था, तो ये जो वैल्यू है इधर पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस जो है यहाँ का किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टेंस की जगह आर, डी की जगह आपने आर डाल दिया, स्क्वायर रूट x2 क्या है, x2 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3 माइनस x1, तो माइनस x1, x1 की जगह क्या लिखा है माइनस 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा सिंपल, उसके ऊपर होल स्क्वायर। प्लस y2 क्या लिखा हुआ है, y2 यहाँ पे जरा देखते हैं, y2 की वैल्यू क्या दी हुई आपको, माइनस 4, तो माइनस 4 लिख दिया आपने। उसके बाद y1, तो y1 क्या था यहाँ पे, 1 था, तो आपने क्या लिख दिया, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस था माइनस, y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू 1 थी, तो मान लिख दिया सिंपल। ठीक है जी सिंपल, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा, जरा देखिएगा क्या होगा, 3 और 1 कितना हो गए, 4, 4 का स्क्वायर किया, 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, चलिए एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्या के हर एक बच्चे के लिए मुश्किल ना हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मसला हो कि कैसे ये ऐड हो रहा है, तो आप माइनस 4 और माइनस 5 अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे, ये माइनस 5 ही देगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा आगे क्या करेंगे, इसको 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस 5 का स्क्वायर किया क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन थी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहां पे जाके जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, 16 प्लस हमारे पास 25 होता है 41। ठीक है जी स्टूडेंट, 41 और स्क्वायर रूट आ गया ये। अब आपको पता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 होता है, कुछ नहीं होता, वो ऐसे कैसे आएगा। अब मेरे बच्चों जरा देखो, आपके पास इस सर्कल का दो एंड पॉइंट दिया था, आपने सेंटर भी मालूम कर लिया और रेडियस भी मालूम कर लिया डिस्टेंस फार्मूले के तहत। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब आप आ जाए, अब यहाँ पे आप लिख दें फाइंड, अब यहाँ पे लिख दें फाइंड करेंगे, क्या मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब आपको एक सर्कल की सेंटर और रेडियस दे दिया जाए। ठीक है जी, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो लिख दिया, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप सिंपल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, उम्मीद है आपको फार्मूला याद हो चुका होगा, अगर फार्मूला नहीं याद तो आप फार्मूला शीट से देख सकते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अब मेरे बच्चों मुझे यहाँ पे ये बताओ, ए और बी क्या है, आपको पता है सेंटर के अंदर जो आपका सेंटर होता है आप उसको किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस वन, और ये माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। अब आगे क्या लिखा है, वाई बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है वन, तो ये माइनस बी की जगह आपने वन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिंपल वन था, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब आर का स्क्वायर है, आर यहाँ पे आपने क्या निकाला था, अंडर रूट 41 और उसका होल स्क्वायर,
सिंपल, यहां तक तो हो गई कहानी खत्म। अब यहां पे आपको दो फार्मूला लग रहे हैं, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल के तहत फार्मूले को आप इनको एक्सपेंड करें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मैं फार्मूला फिर भी यहां पे लिख देता हूं, तो जरा देख लें भाई। एक फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो वो क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस का ये माइनस के फॉर्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करें, सिंपलीफाई करें, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलें जी अब मैं कर देता हूँ। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ये एक्सपेंड हो गया, ये आया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू, अब आगे क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 41। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, अब आप इसको बस ऑर्डर में लिख दें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स की वैल्यू, एक्स के साथ जो लिखा वो, फिर इसके बाद वाई की वैल्यू। तो वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2y लिखा हुआ है, तो 2 फिर वाई लिख दिया। अब कॉन्स्टेंट नंबर कितने बचे आपके पास, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये प्लस 2, ठीक है, और ये इजिकल टू 41 था। अब आपने क्या करना है, ये प्लस का है, इजिकल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये प्लस का था, इजिकल टू के साइड आगे क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा, जब ये माइनस 41 है, ठीक है, और इधर प्लस 2 है, तो प्लस 2 इसको कर देंगे, तो जरा देखिएगा क्या आएगा, माइनस 39 आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, आप अपना कैलकुलेटर यूज किया करें, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन कच्ची है, अगर आपको नहीं पता कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल, और इजिकल टू 0 क्योंकि ये प्लस का था, तो जरा के माइनस का हो गया। तो अब जरा देखिएगा, आप चाहे तो अपनी बुक की बैक साइड पर जाकर आंसर भी चेक कर सकते हैं कि यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा ये चीज आपकी क्लियर होगी, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह।